आईपीएल 2023 में आज दो मुकाबले होंगे। दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला है। ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के घरेलू मैदान इडेन गार्डन्स पर खेला जाना है। एक तरफ संघर्ष कर रही केकेआर है तो दूसरी तरफ लगातार दो मैच में जीत हासिल कर चुकी सीएसके है। आइए जानते हैं कि आज के मैच में क्या संभावनाएं रहती हैं। लगातार तीन मैचों में हार से मुश्किल में फंसी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रविवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मैच में जीत दर्ज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने पिछले दोनों मैच जीते हैं और उसका लक्ष्य यहां लगातार तीसरी जीत दर्ज करके अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना होगा। केकेआर के अभी 6 मैचों में 4 अंक हैं। उसकी शुरुआत अच्छी रही थी लेकिन पिछले 3 मैचों में उसे सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इन तीनों टीम में से दिल्ली और हैदराबाद इस सत्र में संघर्ष कर रहे हैं जबकि मुंबई ने पिछले कुछ मैचों में ही वापसी की है। दिल्ली ने लगातार 5 मैच हारने के बाद केकेआर को हराकर वर्तमान सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। केकेआर को पिछले तीनों मैचों में बल्लेबाजों की सामूहिक नाकामी के कारण पराजय झेलनी पड़ी क्योंकि इस बीच उसके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ केकेआर के बल्लेबाजों ने 67 गेंदों पर रन नहीं बनाए और उसकी पूरी टीम 127 रन पर आउट हो गई थी। केकेआर को अब जल्द ही अपने प्रदर्शन में सुधार करके वापसी करनी होगी क्योंकि अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतना टीम को महंगा पड़ सकता है। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने पिछले मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन उनके साथी बांग्लादेश के लिटन दास नहीं चल पाए थे। ऐसे में नारायण जगदीशन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर रखकर गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत किया जा सकता है। दिल्ली के खिलाफ मैच में केकेआर के लिए आंद्रे रसेल का फॉर्म में लौटना सकारात्मक पहलू रहा और टीम को उनसे फिर से आक्रामक पारी की उम्मीद रहेगी। केकेआर के गेंदबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन सुनील नारायण पिछले मैच में नहीं चल पाए थे और वह चेन्नई के खिलाफ मजबूत वापसी करने की कोशिश करेंगे। इडन गार्डन्स केकेआर का घरेलू मैदान है लेकिन रविवार को यह धोनी के रंग में रंगा हो सकता है। इस करिश्माई विकेटकीपर बल्लेबाज का यह इस ऐतिहासिक मैदान पर आखिरी मैच हो सकता है। यही वजह है कि इस मैच के टिकटों की भारी मांग है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऋतुराज गायकवाड़ और न्यूजीलैंड के उनके सलामी जोड़ीदार डेवोन कॉनवे टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं। न्यूजीलैंड का बल्लेबाज स्पिनरों को अच्छी तरह से खेल रहा है तथा वह नारायण और वरुण चक्रवर्ती की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार लगता है। चेन्नई की स्पिन तिकड़ी मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा भी अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार होंगे लेकिन चेन्नई के लिए श्रीलंका का तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना तुरुक्का इक्का साबित हुआ है। केकेआर के बल्लेबाजों को उनके सामने संभल कर खेलना होगा। अब बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की तो इस टीम में नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, रिंकू सिंह, एन जगदीशन, वैभव अरोड़ा, सुयश शर्मा, डेविड विसे, कुलवंत खेजरोलिया, लिटन दास, मनदीप सिंह और जेसन रॉय। दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की तो इसमें एमएस धोनी, डेवोन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, सुभ्रांशु सेनापति, मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हेंगरगेकर, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, सिमरजीत सिंह, दीपक चाहर, प्रशांत सोलंकी, महेश तीक्ष्णा, अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स, शेख रशीद, निशांत सिंधु, सिसंदा मगाला, अजय मंडल, भगत वर्मा और आकाश सिंह में से होंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहें।